दीपी के न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। इसी बीच एक नाम फिर से चर्चा में आ गया, दीप सिंधु। पंजाबी फिल्मों में कलाकार सिंधु वे शख्स थे जिन्होंने लाल किले की प्रचार से कुछ दूर लगे एक पोल पर निशान साहेब और किसान यूनियन का झंडा लगाया था। इस पूरी घटना के बाद में अब संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेताओं का कहना है कि सोमवार रात के बाद मंगलवार सुबह तक उनके मंच पर कोई अराजक तत्वों ने कब्जा नहीं किया था। इन अराजक लोगों ने किसानों को रूट को लेकर भड़काया और कहा कि हमारा रूट रिंग रोड है। लगभग 6 घंटे यानी सोमवार शाम 6 बजे से आधी रात तक युवाओं के एक समूह में एसकेएम नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच जिस रूट पर सहमति बनी थी उसका विरोध करने के लिए मंच पर कब्जा कर लिया गया। शुरू में मंच पर कुछ अनजाने चेहरे थे। इनकी मांग थी कि एसकेएम नेता मंच पर आकर ट्रैक्टर परेड के लिए तय किए गए मार्गों के बारे में उनके सवालों का जवाब दे, लेकिन बाद में कुछ जाने माने चेहरे जैसे गैंगस्टर से नेता बने लखबीर सिंह सिंघाना उर्फ लखा सिंघाना और पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिंधु ने भीड़ को संबोधित किया। सिंधु ने अपने भाषण में कहा कि हमारा नेतृत्व दबाव में है, हमें उन पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं जो सभी को स्वीकार हो। उन्हें मंच पर आना चाहिए, अगर वे मंच पर नहीं आते हैं तो हम फैसला करेंगे। आप सभी लोगों को ये तय करना चाहिए कि उस मामले में फैसला किसे लेना चाहिए। वहीं सिंघाना ने सभा में कहा कि हजारों युवा रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने रिंग रोड पर जाने का फैसला किया, वे हमारे आगे विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने ट्रैक्टर उनके पीछे होंगे, लेकिन अगर कोई रिंग रोड पर जाना चाहता है तो वह किसान मजदूर संघर्ष समिति के पीछे जाए। फिर मुद्दा क्या है, आप शांत हो जाएं, देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया जाए, ये कहना था सिंधु का।